तो हेलो विद्यार्थी मित्रों, स्वागत है तमारू वी टीचिंग यूट्यूब चैनल में। अने आज आपणे जोवाना छीए धोरण 11 में जे संस्कृत विषय छे तेमानो जे 11मो पाठ छे जेनुं नाम छे पृथ्वी चरितम। अने आपणे तेनुं गुजराती करता थाय छे पृथ्वी राजानुं चरित्र। अने ते आपणे विस्तृत माहिती, तेनुं अनुवाद अने एनिमेशन जोवाना छीए। तो चालो आपणे कंईक नवुं भणीए। स्वयंभुवस्य मनोवंशे अंग नामक राजा अभवत् च दयालु धर्मनिरतः च आसीत्। तस्य वेन नामकः पुत्र संभवत् सः क्रूरः अधर्मनिरतः च आसीत्। तेन यज्ञदानादीनि शतकर्माणि निषिद्धानि। दुर्जनाः सत्कारिता, सज्जनाः च दुष्कारिता। फलतः चौरादीनां प्रवृत्तिः सर्वत्र प्रवर्तिता। सज्जनानां धनं धान्यं च दुर्जने परिहतरम्। यज्ञ कर्माभावे दुर्भिक्षः प्रावर्तत। भूलतम यज्ञदानरहित निधर्म च सच्चताम। अनुवाद। स्वयंभू नामना मनुना वंशमा अंग नामनो राजा थई गयो। ते दयाळु अने धर्मनिष्ठ हतो। तेने वेन नामनो पुत्र थयो। ते क्रूर अने अधर्ममा रच्यो पच्यो रहनार हतो। तेने यज्ञ दान वगैरे सत्कर्मोनो निषेध करेलो हतो। तेने दुर्जनोनो सत्कार कर्यो हतो अने सज्जनोने अपमानित कर्या हता। परिणामे चोर वगैरेनी प्रवृत्ति बदे प्रवर्ती रही हती। अज्जनोना धन धान्यने दुर्जनोए चोरी लीधु हतु। यज्ञ कर्मना अभावे दुष्काळ प्रवर्तो हतो। धरती यज्ञ दान रहित अने धर्म विहोणी थई गई हती। अश्याम दुर्वस्थायां प्रजारक्षणां ऋषयः प्रवृत्ता। ते वेनो दंडित मारितश्च। तदनन्तरं ऋषयः तस्य पृथुनामक पुत्रं राज्यमानस्य प्रस्थापितवन्तः। पृथुः दयालुः धर्मिकः च आसीत्। वैनस्य शासने पीडिताः प्रजा अभिषितं तं धर्मिकं पृथुम् उपतस्थु। शुद्धातार्या प्रजाया परिपालनाय धान्यमपेक्षितमासीत्। भूतलं यज्ञदानरहितं निर्धम च आसीत्। तादृशं भूलतं दुष्ट्वा पृथुतं दग्धुम् अद्यत् अभवत्। तत इयं भू गोरूपमानस्यथ पलायितुमुद्यता। पृथुः तस्य पुष्ठतः अनुगतः। अन्ते एक देशे स्थित्वा किं करोमीति भूमिः अब्रवीत्। पृथुः अपि स्वास्थ्यरहितः चरस्य च इदिप्देहि इति तात् ब्रमीत्। भूः तथास्तु इच्छुत्वा तत्रैव स्थिता। तां गोरूपं स्थितां भूमिं पृथुः दुरो अस्मिन् दोहन कर्मणि अन्नरूपं प्रभूतं दुग्धं प्राप्तम्। तेन अत्रेन पृथुना प्रजा संरक्षिता अनुरचिता च। अनुवाद। आ विषय परिस्थितिमां ऋषिओ प्रजाना रक्षण माटे प्रवृत्त थया। तेमणे वेनने दंडित कर्यो अने मारी नाख्यो। त्यार पछी ऋषिओए तेना पृथु नामना पुत्रने राजगादी पर बेसाड्यो। पृथु दयाळु अने धर्मनिष्ठ हतो। वेनना शासनमां पीड़ायेला प्रजाजनो अभिषेक पामेला ते धर्मनिष्ठ पृथुनी पासे उपस्थित थया। भूखथी पीड़ायेली प्रजाना पूर्णपणे पालन माटे धन्यनी अपेक्षा करी। धरती यज्ञ अने दानथी रहित तथा धर्म विहोणी हती। तेवी धरतीने जोईने पृथु तेने बाड़ी नाखवा तैयार थयो। पछी आ धरती गायनुं रूप लईने नासी जवा तत्पर थई। पृथु तेनी पाछळ गयो। छेवटे एक स्थानमां उभी रहीने हुं शुं करूं एम धरती बोली। पृथुए पण स्थावर वृक्ष वगैरे ने तेमज रता मनुष्य वगैरे इष्ट वस्तु आपजे एम तेने कह्युं। धरती भले तेम थाओ एम बोलीने त्यां ज उभी रही। पृथुए ते गाय रूपी धरतीने दोही। आ दोहवाना क्रममां अनुरूपी पुष्कळ दूध प्राप्त थयुं। ते अन्न वडे पृथुए प्रजाजनोनी रक्षा करी अने तेमनुं मनोरंजन कर्युं। एवं प्रकारं पृथुचरितं पुराणेषु वणितमस्ति। वस्तुतः इदमेकं रूपकमस्ति। तदनुसारं राजा गोपालः भूतलं गोः दोहनं कृषिकर्म दुग्धं च अन्नम् अस्ति। अर्थात् पृथुरूपः गोपालः भूतलरूपादं कृषिकर्णा दुदो अस्मिन् दोहन कर्मणि अन्नरूपं दुग्धं च प्राप्तवान्। अनुवाद। આવા પ્રકારનું પૃથુરચિત પુરાણોમાં વર્ણવેલું છે। હકીકતમાં આ એક રૂપક છે। તે પ્રમાણે રાજા ગોવાળ ધરતી ગાય દોહન ક્રિયા ખેતીકામ અને દૂધ અન્ન છે। એટલે કે પૃથુરૂપી ગોવાળે ધરતીરૂપી ગાયને ખેતીકામ કરીને દોહી હતી અને આ દોહવાના ક્રમમાં તેને અન્ન રૂપે દૂધની પ્રાપ્તિ થઈ। અશ્ય રૂપક્ષાયમ સંદેશઃ યથા ગોપાલઃ સ્વકીયં ગામ પ્રેરણા પરિપાલયતિ પરિપાલિતાં ચ ગામ અસો પ્રાતઃ સાયમ ચેતિ નિયત કાલ નિયત પરિમાણમ ચ દુગ્ધિ તથા રાજા અપિ સ્વયં કિયમ ભૂલમ પ્રેમણા પરિપાલયેત પરિપાલિતાં ચ ભૂતલમ અસો શરદિ વર્ષાયા ચેતિ નિયત કાલમ નિયતર પરિણામમેવ
दुह्यात् एकमेव कृषिकर्मणि प्रवृत्ताः प्रजाः अपि भूतलं तथैव परिपालयेयुः परिपालितं च भूतलं नियतकालं नियपरिमाणं च दुह्य इति यतोहि अनुवाद आ रूपकनो आ संदेश छे जब गोवाळ पोतानी गायने प्रेमथी पाड़े छे अने पूर्णपणे पाड़वामां आवेली गायने ते सवार सांज नियत काळे नियत प्रमाणमां दोहे छे तेम राजाए पण पोतानी धरतीने प्रेमथी पाड़वी जोईए अने पछी ए रीते पाड़ेली धरतीने तेणे शरद ऋतुमां अने वर्षा ऋतुमां नियत काळे नियत प्रमाणमां दोहवी जोईए एम ज खेतीकाममां प्रवृत्त प्रजाजनोए पण धरतीनुं ते ज रीते ज पालन करवुं जोईए पूर्णपणे पाड़वामां आवेल धरतीने चोक्कस समये अने चोक्कस प्रमाणमां दोहवी जोईए केम के बहु धान्य प्रवृषोत्या जनो लोलुप मानसः न चेत् भूलम रहेत हानिरेव भविष्यति अनुवाद आ घणुं बधुं धान्य मेळवा माटे प्रवृत्त थयेलो लोभी मनवाळो माणस जो धरतीनी रक्षा नहीं करे तो नुकसान ज थशे सस्यं कृषिश्च गोरक्षं सर्व एक वणिकं भूतले क्षिते नित्यं नश्यत्येव न संशयः अनुवाद धरती नी रक्षा न थता धान्य खेती अने गोपालन ए बधुं व्यापार वणज हमेशा नाश पामे छे एमां शंका नथी।